जिला खैबर में तुरखम के करीब एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोड़ा गिर गया। 8 अफराद जख्मी। कंटेनर्स और माल बरदार गाड़ियां मलबे तले दब गई। मुतादिद कार्गो गाड़ियों में आग भी भड़क उठी। पिशावर और नौशहरा, चारसदा और मर्दान की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन का 10वां रोज। पुलिस ने मुतादिद मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। जुराइम पेशा अफराद के दर्जनों ठिकाने मिसमार। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। अस्क्रियत पसंदों और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस की पेशकदमी जारी। कोकानी गैंग के मजीद 4 कारिंदे गिरफ्तार। राजनपुर में सिटी डी का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, 3 फरार हो गए। मारे गए दहशतगर्दों में इलियास और इरफान उल्ला शामिल। दहशतगर्द खुफिया इदारे पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। हसास इदारों के छापा मारने पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। इंतखाबात के लिए फंड जारी करने की दूसरी डेडलाइन भी खत्म। इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट्स जमा कराएंगे। अदालत ने इन चैम्बर समाप्त ने 17 अप्रैल तक स्टेट बैंक फंड्स जारी करने का हुक्म दिया था। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली ने इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी की तहरीक मुस्तरद कर दी थी। पार्लियामेंट के कानून पर हुक्म इम्तना। पाकिस्तान बार के ऐलान पर हुक्म इम्तना के खिलाफ यौम स्याह मनाया जा रहा है। पाकिस्तान बार ने चारों सूबों और इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन बुला लिया। पहला वकला कन्वेंशन 29 अप्रैल को बलोचिस्तान में होगा। वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा है कि पार्लियामेंट के कानून के तहफ्फुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। कर्जा कौम पे चढ़ गए हुए 3 अरब डॉलर जो है ये पीटीआई की हुकूमत ने बांटा हुआ है। 3 अरब डॉलर बांटा हुआ है, उनके लोगों के नाम सामने आने चाहिए। ये बंदर बांट जो है कर्जे की, जो अपने क्रोनीज को या अपने स्पॉन्सर्स को या इमरान खान जिनसे माल पकड़ता था या जिनसे ओब्लाइज हुआ हुआ था, ये इन तमाम लोगों को जो है उनकी तफसील जो है हाउस के सामने, ये डायरेक्शन सर चेयर की तरफ से आनी चाहिए। साबका हुकूमत ने कोरोना फंड के 3 अरब डॉलर आपस में बांट लिए। कोरोना फंड की रकम साबका हुकूमत ने अपने चहीतों को कर्ज पर दे दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मामले की तहकीकात और नाम सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहा बाहर से इस कर्जे से जो मशीनरी मंगवाई गई है वो छुड़वाई भी नहीं गई। हुकूमत का मुफ्ती अब्दुल शकूर को बादस मर्ग हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफ्ती अब्दुल शकूर की गिराह कदर खिदमात को सराहा। कहा मुफ्ती अब्दुल शकूर इंतहाई ईमानदार और हमारी काबीना के नगीना थे। उन्होंने सादा जिंदगी गुजारी और आवाम की मुखलिसाना खिदमत की। ऐसे लोग चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते। नारोवाल में जखीरा दोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। चीनी की छुपाई गई 1000 बोरियां बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जमों को गिरफ्तार कर लिया। इंतजामिया के मुताबिक जखीरा की गई चीनी ईद पर महंगे दामों फरोख्त की जानी थी। लाहौर में माहौल दोस्त मनसूबे रिवर फ्रंट ट्रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम तेजी से जारी। ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए रूडा सिटी में 8 जंगलात लगाने का फैसला। 3 बड़े और 5 छोटे जंगलात लगाए जाएंगे। सीईओ रूडा इमरान अमीन के मुताबिक रूडा सिटी में मजमू तौर पर 14% जमीन पर जंगलात लगाए जाएंगे। जब रूडा शुरू हुआ तो 800 एकड़ जमीन पर जंगलात मौजूद थे। अब 1800 एकड़ पर शजरकारी की जा चुकी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के मलाई और मगरबी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मलाई वस्ती पंजाब और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया। रमज़ान की 27वीं शब को सऊदी अरब में नमाज तरावी की अदायगी। मस्जिदुल हराम के अतराफ की सड़कें नमाजियों से भर गईं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 25 लाख अफराद ने इबादत की। मसाजिद की तमाम मंजिलें, दालान, तहखाने, छतें और अतराफ के इलाके नमाजियों से भर गए।
मस्जिदुल हराम में पहली बार नमाजियों और जायरीन के बच्चों की देखभाल की सहूलत मुतारिफ करा दी गई है। पाले मस्जिद में उमरा जायरीन और नमाजियों के 6 साल से कम उम्र 80 बच्चों की देखभाल का इंतजाम किया गया है। 24 घंटे खुला रहने वाले मरकज में बच्चों के लिए सोने और खेलने के लिए कमरे बनाए गए हैं। ईद में चंद रोज बाकी, बाजारों में गहमा गहमी, खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों और जूतों की तलाश, बच्चे भी मनपसंद अशिया का इंतखाब करते नजर आते हैं। शहरियों की जानिब से बढ़ती महंगाई का शिकवा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे T20 में शिकस्त दे दी। मेहमान टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का हदफ दिया। इफ्तिखार अहमद के अलावा कौमी टीम का कोई बल्लेबाज विकेट पर ना ठहर सका। इफ्तिखार अहमद ने शानदार निस सेंचुरी स्कोर की। लाहौर में माहौल दोस्त मनसूबे रिवर फ्रंट ट्रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम तेजी से जारी। ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए रूडा सिटी में 8 जंगलात बनाने का फैसला। 3 बड़े और 5 छोटे जंगलात लगाए जाएंगे। सीओ रूडा इमरान अमीन के मुताबिक रूडा सिटी में मजमू तौर पर 14% जमीन पर जंगलात लगाए जाएंगे। जब रूडा शुरू हुआ तो 800 एकड़ जमीन पर जंगलात मौजूद थे, अब 1800 एकड़ पर शजरकारी की जा चुकी है। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज मेहमान टीम ने शाहीनों के पर काट दिए। इफ्तिखार की जारहाना इनिंग्स राय का तीसरे मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त दे दी। कीवीज के 164 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 159 रन पर ढेर हो गई। और रमजान की 27वीं शब को सऊदी अरब में नमाज तरावी के दौरान मस्जिदुल हराम के अतराफ की सड़कें नमाजियों से भर गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में 25 लाख अफराद ने इबादत की। दोनों मसाजिद की तमाम मंजिलें, दालान, तहखाने, छतें और अतराफ के इलाके नमाजियों से भर गए। रहीमयार खान में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन का 10वां रोज पुलिस ने मुतअद्दिद मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। जुराइम पेशा अफराद के दर्जनों ठिकाने मिसमार, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। अस्क्रियत पसंदों और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस की पेशकदमी जारी। कोकानी गैंग के मजीद 4 कारिंदे गिरफ्तार। जलपरी और शहजादे की मोहब्बत की कहानी, डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म द लिटिल मरमेड की नई झलकियां जारी। म्यूजिकल एडवेंचर फिल्म आइंदा माह 26 मई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।